सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न मैथड्स ऑफ इरीगेशन. सो जो मॉडर्न मैथड्स है इरीगेशन की, दैट एक्चुअली हेल्प अस टू यूज़ अ वाटर इकोनॉमिकली, कि हमें क्या करना है, हमें वाटर का यूज़ करना है बट इकोनॉमिकली, मतलब देख कर यूज़ करना है. ऐसा नहीं है कि हमें बस वाटर मिल गया तो हमें उसको वेस्ट करना है. वी शुडंट बी वेस्टिंग दैट वाटर बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट इट कि वाटर कितना प्रीशियस है फॉर आर लाइफ. तो हमें उसे इकोनॉमिकली यूज़ करना होता है. तो जो मेन मेथड हम यूज़ करते हैं, दिस वर द स्प्रिंकलर सिस्टम. तो वो क्या क्या है, दैट इज़ द स्प्रिंकलर सिस्टम. अब स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ वॉट, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. तो जो आपका अनइवन लैंड होता है, दैट मीन्स कहते हैं ना, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ वाला जो एरिया होता है, मतलब बिल्कुल आपका प्लेन लैंड ना हो, तो आप स्प्रिंकल सिस्टम का यूज़ कर सकते हो ताकि आपका वाटर जो है वो ईजिली आपके प्लांट्स तक पहुंच जाए. द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन अ टॉप आर जॉइनिंग टू द मेन पाइपलाइन एट अ रेगुलर इंटरवल. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पाइपलाइन के स्ट्रक्चर्स होता है और यहाँ पर क्या होता है, एक फुआरे जैसा एक होता है, मतलब एक नोज़ल होता है, रोटेटिंग नोज़ल. जैसे कि आप शावर लेते हो तो थिंक अबाउट इट कि आपका शावर जो है वो घूमता और वो अपराइट होता, मतलब ऊपर की साइड होता, तो वो एकदम से कैसा लगता है, वो बारिश जैसा आपको फील देता. सो दैट काइंड ऑफ मैथड वी एक्चुअली यूज नाउअडेज. And when water is allowed to flow through the main pipe under a pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as it is raining. So raining वाला feel देता है fields को और वो ऊपर rotate करता रहता है. So you can see it over here कि यहाँ पर एक pump type structure लगा है जो कि pipe से इंटरलिंक्ड है और यहाँ पर आपका जो है शावर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि घूमता रहेगा और ऐसे रेनिंग वाला इफेक्ट आपके फील्ड को देगा. तो अगर आपका जो एरिया है वो थोड़ा सा अनइवन भी है, दैट मीन्स ऊबड़ खाबड़ है, देन ऑल्सो ये सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है. या आपका वाटर जो है वो वेस्ट भी नहीं करता और आपका फील्ड जो है वो अच्छे से इरीगेट करता है. So स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर अ लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर. तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कॉफ़ी प्लांटेशन होता है इसमें, या बहुत सारे फील्ड्स में आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो. नाउ द सेकेंड वन इज़ द ड्रिप सिस्टम. सो द ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वॉटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप directly near the roots, so it is known as the drip system. So here what happened, ki this is also quite similar to the sprinkle one. To yahan par bhi motor hai, yahan par pipes lage hue hai, but yahan par ek chhota sa difference hai ki yahan par jo pipes hai ye aapke jo plants hai uske roots ke paas hai. ठीक है. सो हेयर व्हाट हैपन इज़ कि जो आपका वाटर है वो ड्रिप बाय ड्रिप जाएगा, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, एक एक बूंद होकर जाएगा. सो वो धीरे धीरे डायरेक्टली रूट पर जाए, मतलब प्लांट्स की वेस्ट ना हो. सो इस मेथड में बेसिक ध्यान ये रखा जाता है कि जो आपका वाटर है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो. तो जहाँ पर वाटर जो है एक्चुअल में बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है, जैसे कि राजस्थान टाइप का एरिया होता है या डिजर्ट एरिया है, जहाँ पर वाटर की सप्लाई बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर ड्रिप सिस्टम जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैथड है, जिससे कि आप अच्छे से अपना एग्रीकल्चरल टास्क कर सकते हो कम्प्लीट विदाउट एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम.